नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज ओप्पो A37 फ़ोन में लैंग्वेज सेटिंग के बारे में। दोस्तों आप नज़दीक से देखेंगे इस फ़ोन में लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। दोस्तों किस तरीके से ओप्पो A37 में लैंग्वेज की सेटिंग करते हैं दोस्तों, तो वीडियो स्किप नहीं करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों हम दिखाएंगे इस फ़ोन में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, किस तरीके से इस फ़ोन को हम चलाएं। दोस्तों आप नज़दीक से देखेंगे ये सारे फंक्शन क्या है क्या नहीं है, इसमें हम नहीं पता कर पा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसकी लैंग्वेज को सही करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे ओप्पो A37 में किस तरीके से लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। तो इसको इस तरीके से स्लॉट गिरा देना है और इस तरीके से निकालेंगे तो यहाँ से फंक्शन नहीं निकलते हैं, और यदि इसकी लैंग्वेज सही होती तो इसके फंक्शन इस तरफ से निकलते दोस्तों। तो हमें इस तरफ से निकाल देने हैं इसके फंक्शन, आप देखेंगे नज़दीक से हमने इसके फंक्शन इस साइड से निकाले हैं दोस्तों। अभी भी इसमें नहीं समझ में आएगा आपको इसमें क्या है क्या नहीं है दोस्तों। तो वीडियो स्किप नहीं करना है आपको, हम दिखाएंगे दोस्तों। आप ये आइकन देख पा रहे हैं, सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और आप देख पा रहे हैं फंक्शन इस वजह इस तरफ आने चाहिए लेकिन फंक्शन इस तरफ आ रहे हैं दोस्तों। जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो ये इस तरीके से हम पकड़ने के लिए कह रहे हैं फ़ोन, लेकिन ये उल्टा हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से फ़ोन को पकड़ के रखें और आपको हम दिखाएंगे, ये हमारा फर्स्ट नंबर का पॉइंट पहला नंबर है। इस तरीके से हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से, नज़दीक से आप आइकन एक बार देख लें ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों, 8 तक हम गिने हैं, इस वाले नंबर तक गिन चुके हैं, 9 10 11 12 13 14। दोस्तों आप इस पे देख रहे हैं 14वें नंबर पे 3 डॉट का निशान आ रहा है दोस्तों। ऊपर से सेलेक्ट किया हमने, 14 नंबर तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 9 10 11 12 13 14। दोस्तों इस पे 3 डॉट का आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, 3 डॉट पे इसको क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको दिखाएंगे 3 डॉट क्लिक करने के बाद दोस्तों अब इसमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है दोस्तों। हम फ़ोन सीधा पकड़ें फिर भी इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा दोस्तों। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, पहली बार 14 बार गिने, इसकी बार इस अब की बार हम 7 बार गिनेंगे या 6 बार दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, 6 7 7 बार, 7वीं बार हमें एक बार चेक करना है, इसमें कुछ नहीं शो कर रहा है दोस्तों। इसके बाद इस बार हम 6वें पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, इस पर भी नहीं कुछ आ रहा है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 छः नंबर पे हमने क्लिक किया, आप देखेंगे इस तरीके से इस पर भी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो अब दोस्तों इस पर हम पहले पे ही क्लिक कर देते हैं, नहीं कुछ आया दोस्तों। इसके बाद हमने इधर से नहीं माना है, इस तरफ से पहला फर्स्ट माना है, तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। आप देखेंगे नज़दीक से इस पर इस तरीके का ऑप्शन आ चुका है, इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, एक बार इंग्लिश पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। अगर ये ऑप्शन इस तरफ आ जाता है तो हमारा लैंग्वेज एकदम सही से सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हमने लैंग्वेज सेलेक्ट किया, आपने देखा हमने 6वें नंबर पर क्लिक किया, इसके बाद लैंग्वेज हमारी अंग्रेजी हो चुकी है। आप नज़दीक से देखेंगे जो हमने अभी आपको दिखाया ओप्पो A37 में लैंग्वेज की सेटिंग कैसे करते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारे फ़ोन में अंग्रेजी सिलेक्ट हो चुकी है दोस्तों। हम इस तरीके की यदि आपके फ़ोन में लैंग्वेज चेंज हो जाती है दोस्तों, तो आप ओप्पो A37 में इस तरीके से लैंग्वेज सही कर सकते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में हमने बताया ओप्पो A37 में लैंग्वेज सेटिंग कैसे करते हैं। नमस्कार।